गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर क्लासेस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. ओके, सो इन आवर प्रीवियस सेशन वी ऑलरेडी डिस्कस व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर. क्या होगा जब मेटल वाटर से रिएक्शन करती है, ये हम देख चुके थे. नाउ लेट्स कंटिन्यू 3.2.3. व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड. क्या होगा जब मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन करेगी. सो दिस रिएक्शन वी ऑलरेडी डिस्कस, वी ऑलरेडी लर्न, यू हैव लर्न दैट मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. तो मेटल जो है, ये देखो, मेटल जब रिएक्शन करती है विथ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट मतलब जिसमें पानी मिलाया हो उसको हम डाइल्यूट बोलेंगे, जिसमें पानी ज़्यादा हो और एसिड कम उसको डाइल्यूट बोला जाता है. तो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, तो मेटल और डाइल्यूट एसिड जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ पर आप यहाँ पे कोई मेटल ले सकते हो और कोई डाइल्यूट एसिड ले सकते हो, ठीक है. तो वहाँ पर सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी. ओके, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. सपोज़ मैंने यहाँ पर एक मेटल ली, सपोज़ आई टेक एल्यूमिनियम, दिस इज़ एल्यूमिनियम, एंड देन मैं एक डाइल्यूट एसिड लेता हूँ. सपोज़ मैंने लिया यहाँ पे HCl, यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, देखो एल्यूमिनियम और क्लोरीन का, तो AlCl3, इनकी वैलेंसी के हिसाब से सॉल्ट बनेगा, ठीक है, जो हम 9th क्लास में देखें. एंड हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्म. तो ये इस तरह से रिएक्शन होने वाली है. तो आप यहाँ पे इनको अलग अलग तरीके से करके देखें. ओके, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक एंड आयरन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. देखो अगर मैग्नीशियम रिएक्शन करता है, मान लो यहाँ पे Mg ले लिया मैंने, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ HCl, तो अगर ये मैग्नीशियम रिएक्ट करता है देन HCl के साथ में, तो क्या बनेगा, अगेन मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा उसकी वैलेंसी के हिसाब से, और हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक. उसी तरीके से अगर आप जिंक लेते हो, Zn, जिंक के अगर हम HCl से रिएक्शन कराते हैं तब क्या बनेगा, अगेन ZnCl2 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी. ओके, अगेन अगर आप इसकी जगह पे आयरन लेते हो और HCl से रिएक्शन करवाते हो तो अगेन यहाँ पर बनेगा FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस वैलेंसी के हिसाब से, ठीक. या अगर आप HCl ना लेकर कोई दूसरा एसिड ले लेते हो, सपोज़ आपने यहाँ पर HCl की जगह पर आपने कोई दूसरा एसिड लिया, जैसे मेटल तो आप कोई से भी ले सकते हो, एल्यूमिनियम प्लस आपने मान लो H2SO4 ले लिया, अब सॉल्ट चेंज हो जाएगा, सिंपल, यहाँ क्लोरीन था सल्फेट आ जाएगा, तो यहाँ बनेगा एल्यूमिनियम Al2SO4 एंड ये Al2SO4 और ब्रैकेट में आएगा 3, इसकी वैलेंसी के हिसाब से ये बनेगा, ठीक है. ये इस तरह से रिएक्शन होती है. तो मेटल जब भी रिएक्शन करती है डाइल्यूट एसिड से, सॉल्ट बनेगा एंड देन हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्म. अब देखो यहाँ पर मैंने ये हाईलाइट किया हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड ये बहुत सी बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है. क्या है ये पैराग्राफ में क्या लिखा है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड. अगर आप हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी कब, जब मेटल रिएक्शन करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ में. देखो नाइट्रिक एसिड है, मान लो कि आपने कोई मेटल ले ली, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया आयरन और मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ HNO3 के साथ में. HNO3 भी क्या है, एक एसिड है, तो इसमें भी सेम टू सेम रिएक्शन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, सॉल्ट तो बनेगा FeNO3 टू टाइम्स, बट यहाँ पर अब हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी. क्यों नहीं बनेगी, ये एग्जाम में पूछा जाता है और ये रिएक्शन भी पूछ ली जाती है. तो देखो क्या होगा इसमें, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड. HNO3 नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है, ये मैंने लिखा अभी. तो मेटल जब इससे रिएक्शन करती तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्योंकि HNO3 क्या है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. इट ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर. ये जो हाइड्रोजन गैस बनेगी, ये हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देगा. हाइड्रोजन को काय में कन्वर्ट कर देगा, ये वाटर में. एंड इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, और खुद रिड्यूस हो जाएगा.
ठीक है, और खुद रिड्यूस हो जाएगा टू एनी ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड, और खुद रिड्यूस होकर क्या बना लेगा, या तो N2O बना लेगा, NO बना लेगा, या NO2 बना लेगा। तो ये जो हाइड्रोजन गैस बनी है ये काय में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में, और ये जो एसिड है ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, इनमें, N2O में, NO में, या NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, लेकिन इफ़ यू टेक मैग्नीशियम मैंगनीज, Mn इसका सिंबल है, रिएक्ट विद वेरी डायलूट HNO3, ये बहुत ही डायलूट HNO3 के साथ में रिएक्शन करेंगे एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 3.11, आपने एक्टिविटी देखी है, ये एक्टिविटी हमने की तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या होगा, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल, बबल मतलब वो जो हाइड्रोजन गैस बनती है तो बबल निकलते हमको दिखाई देते हैं, रेट मतलब उसकी स्पीड, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब उसके बनने की जो स्पीड है, बबल बनने, बबल मतलब हाइड्रोजन गैस, वो द फास्टेस्ट, सबसे फास्ट किस में होगी, इन द केस ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में सबसे फास्ट तरीके से बबल बनेंगे, द रिएक्शन ऑलमोस्ट द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन द केस, ये बहुत ही एक्सोथर्मिक होती है, हीट इज रिलीज इन दिस केस, द रिएक्टिविटी डिक्रीज इन द ऑर्डर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक एंड आयरन, मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है, एल्यूमिनियम उससे कम, फिर जिंक उससे कम, और आयरन सबसे कम। इन द केस ऑफ कॉपर, अगर आप कॉपर और इसकी रिएक्शन कराते हो तो नो बबल वर सीन, आपको कोई भी बबल नहीं दिखाई देंगे, एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन अनचेंज, और टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि कॉपर ने HCl के साथ में रिएक्शन नहीं करी, जैसे आपने कॉपर लिया, मान लो Cu+ आप ले रहे हो HCl, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, दिस रिएक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस, कॉपर और HCl रिएक्शन नहीं करेगी, ठीक है। नाउ एक्वारीजिया, व्हाट इज एक्वारीजिया, लेटिन फॉर रॉयल वाटर, इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है उससे बाद। ये एक्वारीजिया क्या होता है, इसको रॉयल वाटर बोला जाता है, इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये एक मिक्सचर होता है जिसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं HCl एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं HNO3, तो HCl और HNO3 इन दोनों का मिक्सचर होता है जिसमें तीन पार्ट तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के होते हैं और वन पार्ट HNO3 का होता है। इन दोनों को मिक्स करते हैं, क्यों, बिकॉज ये जो डिजोल्व कर लेता है गोल्ड को, ये गोल्ड को भी अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, इवन दो नाइदर ऑफ दिस एसिड कैन डू सोलन, लेकिन अगर आप अकेले इन एसिड में गोल्ड को घोल डिजोल्व करने की कोशिश करोगे तो नहीं डिजोल्व होंगे, लेकिन इन दोनों का मिक्सचर डिजोल्व कर देगा। एक्वारीजिया इज हाईली कोरोजिव, बहुत ही कोरोजिव होता है, फ्यूमिंग लिक्विड, इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट इज एबल टू डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये कुछ ऐसा रिएजेंट है जो गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिजोल्व कर देता है। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक पढ़ते हैं, 3.2.4, हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, मेटल की रिएक्शन देख रहे हैं हम, तो मेटल किस तरह से रिएक्शन करेगी मेटल सॉल्ट्स के साथ में, जैसे मेटल सॉल्ट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे Na2, SO4, NaCl, ये सॉल्ट है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड, दिस ऑल आर सॉल्ट, तो इन सॉल्ट के साथ में मेटल किस तरह से रिएक्शन, सॉल्ट है ना, मेटल और सॉल्ट की रिएक्शन अब हम देखने वाले हैं। सॉल्ट का तो हम सॉल्यूशन लेंगे, मतलब इसमें ये जो सॉल्ट है मेटल सॉल्ट्स, ये मेटल सॉल्ट है क्योंकि इसमें मेटल है इसलिए इसको मेटल सॉल्ट बोला गया, तो मेटल सॉल्ट को हम वाटर में डिजोल्व कर लेंगे, फिर उसके साथ में मेटल की रिएक्शन करवा के हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, यू कैन सी दिस एक्टिविटी, ये देखो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, इसमें क्या दे रखा है, सी ये जो ब्लू कलर का ये टेस्ट ट्यूब है, ऊपर से कॉर्क लगा रखी है, यहाँ पे ये ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट इसका फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4, दिस इज कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का क्या है, कॉपर सल्फेट है, तो ये मेटल है, देखो कॉपर यहाँ पर मेटल है, ये मेटल का सॉल्ट है, ये मेटल सॉल्ट है, ठीक है, दिस इज मेटल सॉल्ट, ये कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर का, और ये आपको दिख रहा होगा ये आयरन नेल है, लोहे की एक नेल है, और ये धागे से बांधकर इसको इस तरह से लटका रखी है, ठीक है। अब देखो मेटल है, ये मेटल है, आयरन एक मेटल होती है, और यहाँ पर ये कौन सा मेटल सॉल्ट है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, हम वही तो पढ़ रहे हैं, मेटल और मेटल सॉल्ट की रिएक्शन, तो होगा क्या कुछ समय बाद आप देखोगे, ये देखो ये ब्लू कलर जो था अब ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर चेंज हो चुका है,
ठीक है, दिख रहा है आपको ब्लू कलर, पहले ब्लू कलर था अब ये कलर चेंज हो चुका है। और आयरन नेल को आप देखोगे तो इसका कलर भी चेंज हो चुका है, पहले यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, अब कॉपर सल्फेट की जगह पर यहाँ पर क्या बन चुका है, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन चुका है। ये है FeSO4 बन चुका है, पहले कॉपर सल्फेट था अब आयरन सल्फेट हो चुका है। पहले यहाँ पे इस ये आयरन नेल थी, अब आयरन नेल की जगह यहाँ पर क्या आ गया है, कॉपर का वायर बन गया है। मतलब कॉपर आयरन की जगह चला गया या और आयरन कॉपर की जगह आ गया, एक्सचेंज हो गई ना दोनों की जगह। देखो आप यहाँ पे पहले आयरन की नेल थी लेकिन अभी आयरन ना रहा, यहाँ पे कॉपर रहा। इस सॉल्यूशन में पहले कॉपर था लेकिन अब सॉल्यूशन में आयरन आ चुका है, तो दोनों ने एक दूसरे की जगह को एक्सचेंज कर लिया है, ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया है। तो इसको समझते हैं अब हम एक बार और। तो रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन द सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है, मतलब रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगी। फ्रॉम देयर कंपाउंड्स, उनके कंपाउंड से, ये जो कॉपर सल्फेट है कंपाउंड है, आयरन सल्फेट भी कंपाउंड है, इन दो सॉल्यूशन, या तो सॉल्यूशन में या मोल्टन फॉर्म में, या तो पिघली हुई हो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट ऑल मेटल आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। हम देख चुके हैं कि जो जितनी भी मेटल होती है वो सभी इक्वली रिएक्टिव नहीं होती, एक जैसी रिएक्शन नहीं करती, कोई फास्ट रिएक्शन करती, कोई स्लो करती है। वी चेक द रिएक्टिविटी ऑफ द वेरियस मेटल, हमने अलग मेटल की रिएक्शन करवा के देखी, हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के देखी, वाटर के साथ में रिएक्शन करवा के देखी, एसिड्स के साथ में रिएक्शन करा के देखी, बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद दिस रिएजेंट, सभी मेटल इन रिएजेंट के साथ में रिएक्शन नहीं करती। सो वी वर नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल सैंपल वी हैड कलेक्टेड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। तो हमने देखा सभी मेटल के सैंपल को, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टडीड इन चैप्टर वन, आपने जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये चैप्टर वन में भी देखी होगी, हमको अच्छा एविडेंस देती है उनकी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल का। इट इज़ सिंपल एंड ईजी, ये बहुत ही सिंपल और ईजी तरीका होता है। मेटल ए डिस्प्लेस मेटल बी, देखो ये मेटल ए है और ये मेटल बी को डिस्प्लेस कर देगी, मतलब मेटल ए की जगह मेटल बी आ जाएगी, मेटल ए की जगह मेटल बी आ जाएगी और बी की जगह पर ए आ जाएगा, दोनों एक दूसरे की जगह एक्सचेंज कर लेंगी। जो ज़्यादा रिएक्शन होगी रिएक्टिव मेटल होगी वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगी, इसको समझो। जो ज़्यादा रिएक्शन करती है वो दूसरे मेटल के सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगी। इट इज़ मोर रिएक्टिव देन बी। विच मेटल कॉपर और आयरन इज़ मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन, समझो इसको कि जो मेटल ए है, मेटल ए मेटल बी को रिस्प्लेस कर देगी। मेटल यहाँ तो मेटल ए लेंगे, यहाँ पे मेटल का सॉल्ट लेंगे, देखो लिखा ना सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, एक तो मेटल लेना है और एक सॉल्ट का सॉल्यूशन लेना है। तो अगर ये मेटल ए ज़्यादा रिएक्टिव है इस सॉल्यूशन से, बी वाली मेटल से, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। देखो पहले सॉल्ट सॉल्यूशन किसका था, बी का था, अब सॉल्ट सॉल्यूशन किसका है, ए का है, पहले मेटल ए थी अब मेटल बी है, दोनों एक दूसरे की जगह को एक्सचेंज कर लिया, डिस्प्लेस कर दिया। ओके नेक्स्ट है आप ये देखो, द रिएक्टिविटी सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी। आप ये देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है मेटल्स की, जिनको उनकी डिक्रीजिंग एक्टिविटी के बेसिस पर अरेंज करेगा। आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग सीरीज नोन एज द रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज हैज बीन डेवलप्ड। ये आपको ये टेबल पूरी की पूरी याद करनी है, इसको अगर शॉर्टकट ट्रिक मैं बता दूंगा, फिलहाल आप इसको देखो शॉर्टकट किस तरह से रिमेंबर करना है इसको। सबसे टॉप पे है यहाँ पर पोटेशियम, ये सबसे ज़्यादा रिएक्शन होती है, मतलब सबसे फास्ट तरीके से रिएक्शन करती है। देन सोडियम, उससे थोड़ी कमज़ोर, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, बीच यहाँ पे हाइड्रोजन है, फिर कॉपर, ये मेटल नहीं है, हाइड्रोजन के ऊपर वाली मेटल है, ये हाइड्रोजन के नीचे वाली मेटल है, जो ये हाइड्रोजन से ऊपर दे रखी है ये हाइड्रोजन रिलीज़ करती हैं, और जो हाइड्रोजन के नीचे दे रखी है ये हाइड्रोजन को रिलीज़ नहीं करेंगी। ये पूरी पूरी रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखने को, सबसे टॉप में मोस्ट रिएक्टिव, रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे कम हो रही है, और नीचे नीचे सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चन है, इनको देखते हैं एक बार जरा। व्हाई सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल, सोडियम मेटल को केरोसिन के ऑयल में इमर्ज्ड मतलब डुबा के क्यों रखा जाता है, क्योंकि अगर आपने उसको खुला छोड़ दिया तो वो एयर में से मॉइस्चर मतलब वाटर के साथ में रिएक्शन कर लेंगी और आग पकड़ लेंगी, इसलिए इसको खुला नहीं छोड़ सकते। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, आयरन विथ स्टीम, आयरन और स्टीम की रिएक्शन देनी, स्टीम मतलब वाटर, तो Fe+H2O,
ये रिएक्शन कैसे होगी, एफ ई प्लस एच टू ओ, इधर क्या बनेगा आपको लिखना है, कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर, कैल्शियम की रिएक्शन वाटर के साथ में और पोटेशियम की रिएक्शन वाटर के साथ में, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सी दिस, विच ऑफ फोर मेटल ए बी सी एंड डी, यहाँ पे चार मेटल दे रखी, देखो ए दे रखी, बी दे रखी, सी डी, एंड एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन बाय वन, ये सॉल्ट दे रखा है, ये आयरन सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट है, ये जिंक सल्फेट है और ये सिल्वर नाइट्रेट है, चार सॉल्ट है। इस मेटल की रिएक्शन पहले इस सॉल्ट के साथ में करवाई गई, फिर इस इसी मेटल की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ में करवाई गई, फिर जिंक सल्फेट के साथ में, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। तो क्या हुआ, देखो मेटल ए है, आयरन सल्फेट के साथ में इसने कोई भी रिएक्शन नहीं करी, नो रिएक्शन, मतलब है कि ये आयरन से थोड़ी कमज़ोर है, आयरन सल्फेट के साथ में रिएक्शन नहीं करी ना, मतलब मेटल ए क्या है, आयरन से थोड़ी वीक है। तो आयरन से ऊपर वाली मेटल को देखो इस रिएक्टिविटी सीरीज में, आयरन से ऊपर वाली मेटल कौन है, यहाँ पर देखो, ये देखो, ये रही आयरन, आयरन से ऊपर ये मेटल है जिंक है, आयरन से नीचे वाली मेटल को देखेंगे, ऊपर वाली तो उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन से नीचे कौन है, लेड है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है और गोल्ड है। तो ये जो मेटल ए है, या तो ये लेड है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है या गोल्ड, इन चारों में से कोई सी एक है, अब वही आपको पहचाननी। लेकिन मेटल ए को देखो, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन कर रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब है कि ये आयरन और कॉपर के बीच की कोई सी मेटल है ये ए वाली, मतलब ये आयरन से तो रिएक्शन नहीं कर रही, तो आयरन से नीचे है और कॉपर से रिएक्शन, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर रही, मतलब कॉपर से ऊपर है। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखो आयरन और कॉपर के बीच में कौन सी मेटल है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर है आयरन और कॉपर के बीच में ये लेड है, तो मेटल ए कौन सी है, लेड है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है, ये तो नॉन मेटल है, इन दोनों के बीच में बस एक ही, तो एक ही मेटल पड़ रही है और वो है लेड, तो ये जो मेटल है दिस इज लेड, मेटल ए कौन सी है, यहाँ पर मेटल ए इज लेड, पीबी, ओके। इसमें आंसर क्या देना है, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इनमें इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी। अब बी वाली देखो, बी में क्या है, ये आयरन सल्फेट के साथ में डिस्प्लेसमेंट दे रही है, डिस्प्लेसमेंट दे रही है, मतलब आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन से ऊपर वाली कोई सी मेटल है, और जिंक सल्फेट के साथ में रिएक्शन नहीं कर रही है, जिंक सल्फेट के साथ में रिएक्शन नहीं कर रही, तो आपको आयरन और जिंक के बीच की कोई सी मेटल देखनी है, आयरन और जिंक के बीच में क्या है, तो देखो देखो आयरन, आयरन सल्फेट के साथ में ये क्या कर रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रही है, आयरन सल्फेट से ऊपर की कोई सी मेटल देखनी है, लेकिन आयरन सल्फेट के साथ में रिएक्शन कर रही है, तो आयरन से ऊपर की कोई सी मेटल है, तो कौन सी मेटल हो सकती है आयरन सल्फेट से ऊपर की मेटल, आप देख सकते हो यहाँ पे एल्यूमिनियम है, जिंक है, इस तरह से। तो ये तो है ए जो है ए वाली, ये बी से ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि ए आयरन सल्फेट से रिएक्शन कर नहीं कर रही थी, लेकिन आयरन बी वाली से रिएक्शन कर रही, तो ए इज़ मोर रिएक्टिव देन बी। सी वाली देखो, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन कर रही है, तो ये तो सबसे कमज़ोर हो गई, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट तो सबसे नीचे है, तो ये रिएक्शन ही नहीं हो रही है। और डी वाली तो किसी से भी रिएक्शन नहीं कर रही, तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन करने वाली कौन सी हो गई, ए, ए से, ए से, ए सबसे ज़्यादा, ए से, ए से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, बी, बी इज मोर रिएक्टिव देन ए, तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन कौन करेगी, बी। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सेकंड सल्फेट, बी को जब कॉपर सल्फेट सेकंड में डाल देंगे तो ये रिएक्शन होगी या नहीं, मतलब बी की रिएक्शन हम इस कॉपर सल्फेट के साथ में कराएं तो रिएक्शन होगी नहीं, जब वो आयरन सल्फेट के साथ में रिएक्शन कर रही है तो कॉपर सल्फेट के साथ में भी रिएक्शन करेगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाली ए वाली भी तो कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन कर रही है, तो ऑब्वियसली बी वाली भी करेगी, क्योंकि बी वाली तो ए से ज़्यादा रिएक्टिव है। अरे इन द मेटल ए बी सी डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, इनकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में जमाना है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, बी, उससे कम कौन है, ए, फिर उससे कम कौन है, सी, और सबसे कमज़ोर कौन है, डी।
डी क्यों है सबसे कमजोर, क्योंकि ये किसी से भी रिएक्शन नहीं कर रही है, ये सबसे कमजोर हो गई। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप इनको पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल, कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन मेटल से कराएंगे? ऑफकोर्स हाइड्रोजन गैस पैदा होगी। तो राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4, आपको रिएक्शन लिखनी आयरन की रिएक्शन किससे, डाइल्यूट H2SO4 के साथ में क्या बनेगा, यहाँ पर आपको बताना है। ऑब्वियसली यहाँ पर Fe2SO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। देखो, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, अगर आप जिंक की रिएक्शन कराते हो आयरन सल्फेट के साथ में तो क्या होगा, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, राइट द केमिकल रिएक्शन दैट। तो आप देखो, आयरन से ऊपर जिंक है तो रिएक्शन होगी, आयरन से नीचे जिंक है तो नहीं होगी। तो ये देखो, यहाँ पे आयरन से ऊपर जिंक है, ये देखो आयरन से ऊपर जिंक है, मतलब ये रिएक्शन होगी। तो आपको रिएक्शन लिखनी है, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, दोनों एक दूसरे की जगह को एक्सचेंज कर लेंगे। कैसे होगी ये रिएक्शन, देखो जिंक है और आयरन सल्फेट है, तो Fe SO4 दोनों एक दूसरे की जगह एक्सचेंज कर लेगी, ये जिंक है आयरन की जगह, यहाँ जिंक सल्फेट और आयरन जिंक की जगह, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, इतना ही, बाकी कल देखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। घर पे मेहनत करें, इन क्वेश्चन को एक बार और सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी कम इन एग्जाम। ओके, सभी को बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।